आपके फोन के स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्या आपको ऐसा लगता है? या फिर आपके फोन के स्पीकर की आवाज लाउड एंड क्लियर पहले आती थी, अब नहीं आती है, ऐसा आपको लगता है? या फिर आपका फोन पुराना हो चुका है और इसी वजह से आपको आपके फोन के स्पीकर की आवाज कम हो गई है, ऐसा आपको लगता है? अगर ऐसा लगता है तो आप सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने फोन की स्पीकर की आवाज को बढ़ा सकते हो, उसे बूस्ट कर सकते हो। तो आइए जान लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं underbestprice.com। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने पूरी जानकारी दी है ताकि आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फोन के साउंड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद सीधा इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे पहले मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मेरे साउंड का वॉल्यूम जो मोबाइल का वॉल्यूम है वो कितना है और इसके बढ़ने के बाद कितना हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ NCS का सॉन्ग प्ले करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा ही होगा कि मेरे साउंड का वॉल्यूम कितना है। अभी मैं इस एप्लीकेशन के जरिए कैसे मेरे साउंड का वॉल्यूम होगा उसे बढ़ाते हैं ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मेरे जो फोन का वॉल्यूम है वो 100% है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम अलाउ बूस्ट पे और यहाँ पे आपको 60% ही रखना है। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, पहले से 60% होगा। यहाँ पे आपका अगर 60 या 40 होगा तो भी आपको 60% ही रखना है। इसके बाद आपको पीछे आना है और यहाँ पे आप ये देख सकते हो बूस्ट करके एक ऑप्शन है, उसको सिर्फ आपको बढ़ाना है। जितना भी आप यहाँ पे बूस्ट करेंगे उतना आपका साउंड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल के 100 कर देता हूँ और अभी प्ले करके दिखते हैं कि कितना मेरा जो साउंड का वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे साउंड का वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में अपने पुराने मोबाइल में भी साउंड का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।